आप जब 8-9 साल के होते हैं ना, आपका खुद का इतना माइंड, आई वुड से क्योंकि एक्सपीरियंस के साथ बोल रही हूँ, क्योंकि इतना मेरे दिमाग में नहीं आता है कि मैं क्या बनना चाहती हूँ. तो आई थिंक उस टाइम पे मैं बहुत छोटी थी अभी कुछ बोलने के लिए, मुझे क्या बनना था या क्या मुझे पसंद है. लेकिन मुझे अगर आज आप पूछेंगे तो स्पोर्ट्स पर्सन की लाइफ मुझे बहुत पसंद है. मेरे फेवरेट प्लेयर भी रॉजर फेडरर है. आई यूज्ड टू लाइक शारापोवा एज वेल. तो स्पोर्ट्स में ही कुछ ना कुछ, या टेनिस या बैडमिंटन में, फिर से अगर रिपीट करना चाहूँ लाइफ तो इसी फील्ड में करना चाहूंगी, क्योंकि एक स्पोर्ट्स पर्सन की लाइफ बहुत ही स्ट्रिक्ट है, डिसिप्लिन्ड है. और जैसे कि मैंने बोला, कोई टेक्स नहीं है, एक ही टेक में आपको जीतना है. 4 साल में एक बड़ा बड़ा टूर्नामेंट आता है, ओलंपिक मेडल है जो सब लोग जीतना चाहते हैं. एंड आई थिंक उससे बड़ा कुछ है नहीं. एंड आई वुड लाइक टू थैंक हर कि उन्होंने मुझे एक चांस दिया कि मैं साइना नेहवाल बन सकूँ. वरना मैं भी कोई नॉर्मल सी लड़की रहती, 12th पास कर लेती, या कुछ यू नो डॉक्टर की तरफ चली जाती, मूवीज देखती, गुड़ियों के साथ खेलती. बट इन सब का मुझे कभी मौका मिला नहीं. 8-9 साल से बहुत स्ट्रिक्ट लाइफ हो गया था. 9 साल की उम्र में ऑलमोस्ट 14-15 घंटे खेलते थे हम लोग, पूरा दिन स्टेडियम में रहते थे. तो कभी टाइम नहीं मिला कुछ और चीज करने का उतना, यू नो, फुल टाइम. तो इट्स ऑलवेज बीन यू नो वेरी डिसिप्लिन, वेरी डेडिकेटेड. एंड जैसे 10-11 ईयर्स की हुई तो मेरे कोच ने उनके फोन में मेरा नाम वर्ल्ड चैंपियन फीड कर दिया. तो ये सब चीजें बहुत, मतलब, मुझे अच्छे लगने लगी. एंड ऑब्वियसली वहाँ पे जो मेरे फ्रेंड्स थे वो मेरे साथ खेलते थे फुल टाइम, और हम सब ये एंजॉय बहुत करते थे. तो गेम मुझे बहुत अच्छा लगा.